आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं असल में अपनी बेटी को लेके दिल्ली गया था। जामा मस्जिद का ये इलाका है और होटलों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की है जो दिल्ली में रहते हैं, कमाते हैं, रिक्शा चालक हैं और कुछ पैसे बचाने के लिए होटल के बाहर आकर बैठ जाते हैं और होटल के बाहर बैठने के बाद इंतजार करते हैं कोई लोग आए इनको खाना खिलाए, जिससे इनका कुछ पैसा बच जाए, उस पैसे को अपने घर भेज दें। कुछ भिखारी भी होते हैं। लेकिन जब हमने होटल वाले से पूछा कि ये लोग इतने क्यों हैं, तो होटल वाले ने बताया कि सर ये सुबह से बैठे हैं और जिस वक्त हम मिले थे उस वक्त करीबन 3-3.5 बजे हुए थे दोपहर के, कोई लोग उनको खाना खिलाने के लिए नहीं आया। और मेरी बेटी ने कहा कि चलो अब्बा हम इनको खाना खिलाते हैं, और हमने खाना खिलाया भी, बहुत खुशी महसूस हुई। और उससे ज़्यादा खुशी तब हुई कि जब मुझे मेरी बेटी ने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं भी बड़ी होकर आप जैसी बनूंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, और खुशी भी होती है कि अल्लाह ने हमें चुना इन लोगों तक रिजल्ट पहुँचाने के लिए। करीबन 150-200 लोग थे जिनको हमने खाना खिलाया। तो आप भी पहल कर सकते हैं, आप भी खाना खिला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो हमारा जो अकाउंट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें भेज सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप खाना खिलाना चाहते हैं लोग, तो कितने लोग खाना खिलाना चाहते हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं, अपनी मदद भेज सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी मदद पहुँचाएँ। और ये खैर का काम आप अपने अपने इलाकों में कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।